हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माय टेक्निकल सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में आपको किसी ऐप का रिव्यू नहीं देने जा रहा, बल्कि आपके मोबाइल के कुछ हिडन फीचर्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने सिंपली एप्लीकेशन में चले जाना है। इधर से मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, आपको मोबाइल के कुछ हिडन फीचर बताने जा रहा हूँ। और इधर सेटिंग में जाते हैं। चलिए हम सेटिंग में आ गए और इधर आपने नीचे स्विप स्विप डाउन करना है, तो आपको नीचे ये एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने एसेसिबिलिटी में जाना है, वीएन में गए, ठीक है। तो आपने करना क्या कि इधर से मैग्निफिकेशन गेस्चर को ऑन कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैं इसका आपको फ़ायदा बताता चलूँ। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 3 बार टच करते हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, और ये हो गया जूम इन। और अगर आपने इसे जूम आउट करना है या और इसमें जूम करना है, तो आपने दोनों फिंगर्स को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रख के और जूम इन कर देना है, अपने फिंगर्स को खोल देना है। ऐसे ही जूम इन हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने दोनों फिंगर्स को दोबारा बंद करेंगे तो जूम आउट होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपने जूम आउट, फुल जूम आउट के लिए आपने 3-4 बार उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे टच करना है, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए आपका मोबाइल का ये बहुत ही कमाल का फीचर है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आईसाइट वीक है और वो अपने मोबाइल को करीब करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दूसरा फीचर बताता चलूँ। तो आपने करना क्या कि सिंपली आपने फिर एप्लीकेशन में चले जाना और एक्सेसिबिलिटी में चले जाना, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में जाके आपने क्या करना है जी, इधर टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। इधर आप सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीक भी कर सकते हैं और गूगल का भी कर सकते हैं। इधर आप स्पीच रेट भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इधर से आप इजीली कर सकते हैं। तो इसे अनेबल कैसे करना है जी, मैं आपको बताता चलूँ। इसे अनेबल करने के लिए आपने करना है, इधर से मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। इधर नीचे है सेलेक्ट टू स्पीक, ओके, इधर से अनेबल कर दें, ठीक है। इधर नीचे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बटन आ गया है। इसका आपको अभी मैं फ़ायदा बताता चलूँ कि ये आपको किसी भी टेक्स्ट को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी आर्टिकल को आप टेक्स्ट फॉर्म से स्पीच फॉर्म में ले के जा सकते हैं। तो आपने करना क्या कि आपने सिंपली उसी बटन पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल के जो भी पैराग्राफ आप पढ़ वो इससे स्पीक करवाना चाहते हैं, तो आपने उसके ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। to hear spoken अभी आप feedback. सुन सकते हैं कि ये स्टार्ट हो गया था। इसी तरह ये बहुत ही कमाल का फीचर है, मुझे बहुत पसंद आया। ये मोबाइल के कुछ हिडन फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक मोबाइल का तीसरा हिडन फीचर बताता हूँ कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को कंट्रास्ट कैसे करें, ठीक है। दोस्तों आपने फिर सेटिंग में और एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाकर आपने क्या करना है कि वीएन में फिर चला जाएं, ठीक है। वीएन में आपने जाके क्या करना है, हाई कंट्रास्ट फॉन्ट्स। जैसे ही आप इसे अनेबल कर देंगे तो आपके मोबाइल के फॉन्ट हाई कंट्रास्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही कमाल के लुक देंगे। ऐसा होगा कि जैसे मोबाइल के टेक्स्ट पे एक ओवरले बन जाता है, उसी तरह ये बहुत ही कमाल का आपको लगेगा। अगर आप अपने मोबाइल के एक ही फॉन्ट दे दे कर आपकी आदत हो गई और आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही कमाल का और चौथा फीचर ये है कि हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड, ठीक है। हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड, इधर से हम इसे अनेबल कर देते हैं। जैसे ही आप इसे अनेबल करेंगे, अभी मैं आपको कुछ मैसेजेस को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये आप देख सकेंगे कि ये हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड हो गया है। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अभी इसके बाद मैं आपको पांचवा फीचर बताता चलूँ। इसके लिए भी आपने एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है, जो कि आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं अनेबल था, इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। अभी आपने करना क्या कि इधर आपको एक मिलेगा ऑप्शन शो बटन शेप्स, इसे आप अनेबल कर देंगे तो आपके मोबाइल के जो बटन्स हैं, जैसे ये देखें, ये ऊपर बटन है सर्च का, एज एड एडिट,
ये बटन के बैक साइड में एक शेप बना देगा कि पता चलेगा कि ये वाकई ये बटन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय माई टेक्निकल सपोर्ट।